अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हो गए हैं। ये कुछ वीडियो इस टाइप की है कि अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने कहा आपको गाइड कर दूं, जो आपके पास बेसिक्स होने चाहिए। मतलब आपके पास ये चीज़ें हों, बहुत महंगी नहीं है, बहुत मतलब इस टाइप की नहीं है कि बिल्कुल लोकल है, अच्छा ब्रांड है, अच्छे सब कुछ है। और इसमें जो है आपके बेसिक पार्टी मेकअप, शादी पे जाना हो, कहीं पे जाना हो, ये चीज़ें जो है आपके पास होनी चाहिए और आप अपना मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। मैं भी बेसिकली यही चीज़ें ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, इस वजह से ये आपको रिकमेंड भी करूँगी और ये दिखा भी रही हूँ। और अगर आपको जो है मतलब मेरे मेकअप से रिलेटेड या मेकअप देखना हुआ तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूँगी कि ओवरऑल कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो पड़े हुए हैं, मैं यूज़ नहीं करती। और बाकी ये है कि इनकी हालत देख सकते हैं आपके कितना यूज़ हो के क्या हालत हो चुकी है इनकी, लेकिन फिर भी इनका पीछा नहीं छोड़ता। सबसे पहले आप आ जाते हैं मतलब स्किन प्रेप करना, वो तो सब बेसिक चीज़ें हैं ना। प्राइमर है, प्राइमर भी मिस रोज़ का यूज़ करती हूँ, यहाँ पे भी मेरे पास अवेलेबल नहीं था। फाउंडेशन पे दिखाती हूँ, फाउंडेशन हमारे पास है मिस रोज़ की जो है, इसमें मिस रोज़ के फाउंडेशन में बहुत सी और भी अभी जो है ऐड हो चुकी हैं, वैराइटीज़ ऐड हो चुकी हैं डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन मैं सेम इसी तरह का पम्प ज़्यादातर जो बेसिक यूज़ करती हूँ यही यूज़ करती हूँ। इसमें जो है मतलब ये मुझे ग्लास, इसकी ग्लास बॉटल है, पम्प भी अच्छा है ठीक है। इसमें शेड यूज़ करती हूँ आइवरी, बहुत अच्छा है ठीक है, मीडियम टू मीडियम कवरेज है, आप इसको बिल्ड कर सकते हैं। इसके बाद ये जो आ जाता है हमारे पास बेक करने के लिए, क्रिस्टीन का लूज़ पाउडर मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है, अच्छी बेकिंग होती है, ट्रांसफ़र प्रूफ हो जाता है आपका मेकअप। फिर अब हम जो है कंसीलर जो है बेसिक हमें चाहिए ही चाहिए होता है। अब कंसीलर के तौर पे अब मिस रोज़ का एक कंसीलर है, मतलब अफोर्डेबल है। बाकी बहुत से ब्रांड्स हैं, हाई एंड ब्रांड्स हैं, उनका कंसीलर बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन ये है कि मीडियम कवरेज है, लेकिन ना बेसिकली आपको ज़्यादातर ये यूज़ होता है और अच्छा यूज़ हो जाता है। ये दो चीज़ें जो हैं मतलब बेसिकली बहुत अच्छी हैं, मतलब हाईली रिकमेंडेड फाउंडेशन भी और जो है ये कंसीलर भी। इसकी प्राइसेस है मतलब यही है कि 250 से 300 का अब जो है कंसीलर मिलता है, थोड़ी प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं, और 500 से 600 तक का जो है फाउंडेशन मिल जाता है अब तो। फिर हम ब्लश पे आ जाते हैं, ब्लश में ये देख लें, इसके जो है ऊपर से तो सारी चीज़ें मिट चुकी हैं, मैं इतना इसको यूज़ करती हूँ, और इसमें मतलब जो है प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है। और ये पिगमेंटेशन इसकी चेक करें ज़रा सा टच, और मतलब इस तरह अगर आप ब्रश पे लगाएं और इतना ज़्यादा ये पिगमेंटेड है कि आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। और ये मतलब मैंने जब लिया था तब 400 से 500 तक का आ जाता था, मतलब बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं इसमें, आप इसमें देख सकते हैं। फिर हमारी हाइलाइटर की हालत देख के आपको पता चल रहा है कि हाइलाइटर मुझे कितना अच्छा लगता है। वैसे हाइलाइटर आपके मेकअप में बहुत ज़रूरी है, आपके मेकअप को 4 चांद लगा देता है जरा इसका, मतलब मेरी बेटी है ना वो चीज़ें तोड़ देती है, इस वजह से आप इसकी हालत पर ना जाएँ, लेकिन इसका स्वाद चेक करें, हाइलाइटर भी हाईली पिगमेंटेड है ठीक है। तो फिर लिप बाम जो है आपके लिप्स को प्रेप करने के लिए, और ये है कि आप पहले लिप बाम लगा लें, उसके बाद जो है आप कोई भी लिपस्टिक भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है ब्राउ पाउडर और जो है आईलाइनर, जेल लाइनर और ब्राउ पाउडर। ये मैं आपको, इसमें मेरे पास दो हैं, एक ब्लैक कलर में और एक ब्राउन कलर में, इसमें चेक करें, इसके ऊपर जो है पहले ब्राउ पाउडर है और नीचे जेल लाइनर, अच्छी ऑप्शन है ठीक है, और बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी और काफ़ी टाइम निकाल जाता है, प्रोडक्ट ज़्यादा है और प्रोडक्ट है भी अच्छी। तो मतलब मैं तो बेसिकली ये यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा यही यूज़ करती हूँ। और यह है म्यूज़िक फ्लावर का कोई ब्रांड है, तो ये अब इजीली अवेलेबल भी होता है, इसके साथ जो है ब्रश भी था वो मेरे से मिस हो गया। और हाँ, अब ये आ जाते हैं हम वो काली के मेकअप फिक्सर पे ठीक है। वो काली का मेकअप फिक्सर है, बहुत अच्छा है, एलोवेरा जेल है और ये लॉन्ग लास्टिंग है, इसमें विटामिन सी भी है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम जो है आई शेडो पैलेट्स पे। आई शेडो पैलेट्स और भी मेरे पास हैं मतलब जिनमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये वाले जो है मैं ज़्यादातर यूज़ यही करती हूँ, बेसिक्स जो है यूज़ में यही आते हैं मेरे पास। इस पे जो है ये वो है,
इसमें ना ग्लिटर के चंक्स भी हैं, शिमर भी हैं और मैट्स भी हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ स्वाच करके दिखाती हूँ और फिर कुछ पे मैं कहती हूँ कि रहने दें। अगर आप कहेंगे तो मतलब एक अलहदा से वीडियो बना दूँगी स्वाचेस की, लेकिन मतलब वैसे आपको दिखाना मकसद था कि कौन कौन से अफोर्डेबल थे। ये मतलब मुझे मिली होगी 700-800 की मेकअप किट, और ये 800-900 की। अब मुझे आइडिया नहीं, आप चेक कर लें, लेकिन ये बहुत अच्छी है, मतलब इससे ज़्यादा ही नहीं होगी, बहुत ज़्यादा प्राइसेस इसकी हाई नहीं है, अच्छी हैं ये। मतलब आपके पास ये चीज़ें हों तो आपको बार बार पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं, और ऊपर से फिर मेकअप क्लासेस देख लें। और मतलब ये बहुत अच्छे पैलेट्स हैं, मॉर्फी का ड्यूप है ये, और इसमें मतलब बेसिक्स हैं, ऑरेंजेस में भी हैं, ऑरेंज शेड्स में हैं, येलो टोन में हैं, ब्लू में, पर्पल में, ब्राउन में। ब्राउन जो है इसी से मैं कंटूर कर लेती हूँ, इसीलिए यहाँ पे आपको ने कंटूर पैलेट नहीं देखा ना, तो यहीं से मैं कंटूरिंग भी कर लेती हूँ। ये देखें, कंटूरिंग यहाँ से कर लेती हूँ। इवन हाँ, आपको ये बताती चलूँ, जिसके पास आईलाइनर नहीं है ना, वो अपने जो है मेकअप फिक्सर से अपने उसको वेट करें ब्रश को, और यहाँ पे जो ब्लैक कलर था वो आप अपने आईलाइनर के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास बॉब का मस्कारा था, वो मेरी सिस्टर के साथ मेरा एक्सचेंज हो गया अब, इसलिए मुझे इसका ब्रांड नहीं पता। ये भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन बॉब का भी बहुत अच्छा मस्कारा है। तो यहाँ पे मतलब मैं चेक कर रही थी, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली मेरा नहीं है, ये एक्सचेंज हो गया मेरा उसके साथ, तो फिर मैंने कहा चलो आपको ये भी दिखा दूँ। लेकिन बॉब का बहुत अच्छा मस्कारा, और ये भी मस्कारा बहुत अच्छा, मतलब ये भी रिकमेंडेड है। और अब मतलब आपको बता रही हूँ बेसिक्स मैं क्या यूज़ करती हूँ। बेसिक आईलाइनर, सॉरी लिप लाइनर, ये आउटलाइन के लिए मैं यूज़ करती हूँ। ये नॉर्मली किसी भी आपको मेकअप की शॉप से मिल जाएगा, इतना महंगा नहीं होगा। और ये जो है अंदर फिलिंग के लिए, फिलिंग इससे कर लेती हूँ। या ब्राउन यहाँ इसमें से ना, इस पैलेट में ब्राउन शेड्स हैं, तो इसमें से भी मतलब मैं लगा लेती हूँ, मतलब लिपस्टिक के तौर पर भी आप भी यूज़ कर सकते हैं लिपस्टिक, और ये हाइलाइटर के तौर पर यहीं से भी यूज़ कर लेती हूँ मैं। ये आपको ये दिखा रही थी, ये मतलब मल्टीपर्पज़, आपके पास कोई एक चीज़ हो आप उसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करने के लिए यूटिलाइज़ करने का देखा करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये हैं बेसिक और अफोर्डेबल चीज़ें मैंने क्या आपको दिखा दूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और कुछ बुरा लगा हो तो कोई बात अच्छी ना लगी हो फिर भी सॉरी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।